कोरोना काल के बीच बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी बड़ौदा के अंदर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और जीत का दावा भी किया जा रहा है। चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस वार्ता की। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधायकों की ड्यूटी लगाई गई। हुड्डा ने उपचुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि मैं बड़ौदा गया था, लोगों से मिला। बड़ौदा की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। फीडबैक है, लोग मन बना चुके हैं। भारी बहुमत से हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा। साथी हुड्डा ने कहा कि हमें 5 सी से मुकाबला करना है। ये 5 सी कौन सी हैं? सुनवाते हैं आपको नेता प्रतिपक्ष हुड्डा की जुबानी। तो बहुत ही ज्यादा संकट से गुजर रहा है। 5 सी का मैंने जिक्र किया था, जो हमारे को आज जिनका मुकाबला करना है। एक तो चाइना, कोरोना और हरियाणा में करप्शन, क्राइम और कास्टिज्म, ये बड़ी तेजी से फैली हुई है। हुड्डा ने पीटीआई भर्ती मामले को लेकर कहा कि पीटीआई टीचर्स को उनके रोजगार से हटाना बेहद गलत है, जबकि प्रदेश में जेबीटी के पद खाली हैं। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, वो हटा दिए, लेकिन हमने बार बार कहा उंगली को रास्ता निकालो, उनको कम से कम नौकरी से निकालो, मत निकालो। ये पहले हमारे साथ भी हुआ था। एक बार पुलिस के 1800 कर्मचारी निकाल दिए थे सुप्रीम कोर्ट से, हमारे से पहले वाली सरकारी भर्ती की, तो ओम प्रकाश चौटाला, तो 1800 से 1800 हमने क्या लगाए जेलवास में। रोजगार देने का काम है। बड़ौदा चुनाव को लेकर जहां भाजपा जजपा गठबंधन सत्ता में भागीदारी की बात बड़ौदा के लोगों से करते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा के लोगों के स्वाभिमानी होने की बात कह रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल भी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दम भरते हुए नजर आ रही है।